हेलो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम इंफाइनेट लाइन चार्ज की बात करें क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टिटी की क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर की और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और मेनली हम जे मेंस और जे एडवांस नीट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं ओके यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ की बात करें और गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखें तो वहाँ हमको पता है कि इन्फाइनइट लाइन चार्ज मतलब कि किसी लाइन पर चार्ज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ओके यहाँ पर हमको पता है कि आ, अगर हम अगर हम एक लाइन चार्ज कंसिडर करें है ना जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके और वो चार्ज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियल होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा लेमडा डिवाइडेड बाय टू पाई एफ नॉट एन आर ये हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द लॉ पर यहाँ पर हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं है ना एरोडो के इलेक्ट्रोडाइनामिक्स का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हम देख रहे हैं और इसमें हमको सेमी इन्फाइनइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड केरीज अ चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट विच इज़ अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द थ्रेड एंड लाई ऑन द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दम यहाँ पर सेमी इंफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं ओके okay, हमारे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ओके okay, और उसका एक एंड जो है मान लेते हैं वो ओ है और ओ से वो चार्ज थ्रेड जो है वो यूनिफॉर्मली इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर वाई डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ओके वाई डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो डेफिनेटली हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे और इस पर हम एक एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे डी एक्स लेंथ का ओके डी एक्स लेंथ का हम डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे और कितने डिस्टेंस पर कंसिडर करेंगे एक्स डिस्टेंस पर कंसिडर करेंगे क्योंकि हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है और इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस आर हमको पता होना चाहिए और आर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे जो कि होगा एक्स स्क्वायेयर प्लस वाई स्क्वायर वाई यहाँ पर कांस्टेंट है अगर वाई में कुछ कंफ्यूजन है तो आप आर लेकर भी यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि क्वेश्चन में वाई ये है इसलिए हम वाई की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस आर के डायरेक्शन में ही होगा और वो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं पर इंटीग्रेशन करने के लिए इस डीई को हमको दो पार्ट में रिज़ॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले हम अगर हम बात करते हैं कि डीई क्या होगा तो वो होगा डीक्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर यहां पर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर होगा तो उसका स्क्वेयर जो होगा रूट कैंसिल कर देगा है ना तो यहाँ हमको मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओके ये हमारे पास में डी ई है और इस डी क्यू को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एक्स ओके एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है एक्स एक्सिस हम यहाँ पर वर्टिकल कंसिडर कर रहे हैं ओके okay, अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दो पार्ट में रिजोल्व करें तो हमारे पास में दो कंपोनेंट मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट मिलेगा ठीक है अगर हम इस एंगल को ठीटा कंसिडर करते हैं ओके okay, तो यहां पर ये वाला एंगल भी ठीटा होगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा डीई कॉस ठीटा और वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा वो होगा डीई जरा ध्यान से हमको हमको पर पूरा डेरिवेशन समझना है क्योंकि हमको दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करना यहाँ पर होगा एक्स कंपोनेंट भी इंटीग्रेट करना है वाई कंपोनेंट भी इंटीग्रेट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा तो अगर हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट की बात करें जिसको हम लिखेंगे डी ई एक्स ओके वो होगा या डीई एच -E लिख देते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है है ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा डी ई कॉस थीटा ओके और थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं तो लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय फोर पाई एपसेल नॉट नाट नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके ये हमने डी ई का वैल्यू पुट किया अब हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस यहाँ पर वाई है और कितना है रूट प्लस वाई जिसको हम लिख सकते हैं प्लस वाई तो पावर वन बाई टू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में कंपोनेंट मिलेगा इंटू वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय फोर पाई एपसेल नॉट एक्स वाई तो पावर बाई टू है ना यहाँ पर पावर वन है यहाँ पर तो हो, हो, हो जाएगा इसको इंटीग्रेट हम करेंगे जीरो से इंफिनिटी तक कहां से कहा तक जीरो से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो है और जब हम इनफाइनइट पे पहुंचेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा ओके तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट चीजें क्या क्या है इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट है वाई भी कांस्टेंट है और डिवाइडेड करेंगे हम से एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वेर टू पावर थ्री बाई टू को ओके और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए चूंकि हम मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक्स को पुट करेंगे वाई टेन थीटा तो यहां पर हमारे पास dx जो होगा वो होगा वाई थीटा थीटा. ओके? और जो डिनोमिनेटर मिलेगा मतलब एक्स स्क्वे प्लस वाई स्क्वेयर रेस्ट पावर थ्री बाई टू को हम लिख सकते हैं वाई क्यूब सेक क्यूब थीटा अब ये क्वेश्चन मार्ग है कि ये कैसे आ गया एक बार आप खुद यहाँ पर वैल्यू पुट की, करके देखिएगा का वैल्यू आपको पुट करना है देखिए आप कॉमन लेंगे वन प्लस टेन स्क्र डेटा बचेगा उसका पावर थ्री बाय टू और बाय टू से टू यहाँ पर कैंसिल होगा और क्यूब बचेगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर लिमिट की भी हम बात कर लेते हैं ओके जब लिमिट की बात करेंगे एक्स इक्वल टू जब हम पुट थीटा जीरो पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू जिसको हम थीटा वन लिखते हैं वो हमको जीरो मिलेगा और जब एक्स का वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे इसको एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हम लिखते हैं तो जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा टू इज इक्वल टू आप बताइए टेन ज़ीरो टेन का वैल्यू इन्फिनी कब होता है जब थीटा का वैल्यू नाइन्टी डिग्री होगा तो आपको यहाँ थीटा टू से नाइन्टी तक इंटीग्रेट करना है थीटा टू का वैल्यू हमको 90 मिलता है हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर जब हम वाई कंपोनेंट सॉरी एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड कर रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट था वाई भी यहाँ पर कांस्टेंट था डिवाइडेड बाय हमको फोर पाई एप्सिलॉन मिला था और इंटीग्रेट हम करेंगे यहाँ पर जीरो से नाइन्टी डिग्री तक आ, वाई है ना सेक स्क्र थीटा क्योंकि डी एक्स का वैल्यू ही आया था इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डिनोवेटर में हमको मिला था वाई क्यूब सेक क्यूब थीटा तो यहाँ पर ये वाई 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 स्क्वेयर हो जाएगा और वाई क्यूब को कैंसिल करेगा तो जो हॉरिजोनटल कंपोनेंट हमको मिला लेमडा डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्स नॉट एप्सिलॉन नॉट आर ये वाई होगा है ना इंटीग्रेशन जीरो सकते हैं और यहाँ पर सेक बाय सेन बाई सेक थीटा बचेगा जिसको हम थीटा लिख सकते हैं और थीटा के रिस्पेक्ट में अब यहां पर इंटीग्रेट करना है और हमको पता है कि थीटा का इंटीग्रेशन यहां पर साइन थीटा होगा तो हम यहां लिखेंगे थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट पुट करेंगे जीरो टू नाइनटी डिग्री सो जीरो जब वैल्यू पुट करेंगे तो वन मिलने वाला है तो लेमडा डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ नॉट वाई ठीक है जैसा हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया है वैसे ही आप अगर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आपको लेमडा डिवाइडेड बाई फोर पाई एफसेल नॉट वाई ही मिलेगा ओके वर्टिकल कंपोनेंट भी यही मिलेगा उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जैसा हमने फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट किया है वैसे ही आप सेकंड पार्ट इंटीग्रेट खुद से करके देख सकते हैं तो हमारे पास में जो सेमी इनफाइनाइट वायर था मतलब कि ज़ीरो से इन्फिनीटी तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसके कारण इस एंड से वाई डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला हमको उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पर वाई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलते हैं पर्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ओके okay? और सेकंड कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है जो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम ही है लेमडा डिवाइडेड बाय फोर पाई नॉट नॉट वाई वाई और डिवाइडेड बाय पाई ओके तो डेफिनेटली दोनों कंपोनेंट अगर हमको इक्वल मिलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में होगी मतलब 45 डिग्री होगी क्वेश्चन में पूछा था कि डायरेक्शन क्या होगी तो आप बता सकते हैं कि 45 डिग्री पर होगी वाई के साथ में और मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा लेमडा इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ नॉट वाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्यों रूट टू आया है वो समझ सकते हैं आप और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमको मिलता है थैंक यू वेरी मच